जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, हम में से अधिकतर लोग सुबह सही तरीके से नहीं उठते हैं या सही तरीके से नहीं जागते हैं। बिस्तर से सही तरह से उठना हमारे पूरे दिन भर के लिए बहुत ही खास होता है। जैसा हम सुबह उठते हैं उसका असर हमारे पूरे दिन पर पड़ता है। यौगिक विज्ञान में इस बात का उल्लेख है कि आपका सारा दिन किस तरह से बीतेगा, कैसा बीतेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप सुबह कैसे उठते हैं। और यदि आप सुबह सही ढंग से जागते हैं, सही ढंग से उठते हैं, तो आपका जीवन स्वस्थ और आनंदपूर्ण रह सकता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको सुबह ठीक से जागने के कुछ टिप्स दे रहे हैं। आशा है आप इन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं पूरा और अगर आपको ये उपयोगी लगता है, यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर जरूर से करें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जब आप कल सुबह उठेंगे तो तब तक पूरी दुनिया में 1.5 लाख से ज़्यादा लोग अपनी स्वाभाविक मौत की वजह से धरती पर अपना नश्वर शरीर छोड़कर जा चुके होंगे। और आपके पास भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हम कल सुबह उठेंगे या नहीं। और यदि आप कल सुबह वास्तव में जाग गए हैं, यदि आप मरे नहीं हैं, यानी यदि आप जाग चुके हैं, जागे हुए हैं, तो फिर इस बात की खुशी मनाना बहुत ज़रूरी है। इस बात को सोचकर आप कम से कम मुस्कुरा तो सकते हैं, क्योंकि जो लोग मर गए हैं वे भी मेरी और आपकी तरह ही थे जो अब नहीं हैं। और यहाँ अभी मैं ज़िंदा हूँ तो इस बात के लिए अपने लिए थोड़ा मुस्कराइए। देखिए, यदि 1.5 लाख लोग मर गए हैं तो उनके प्रियजन, जो उनकी संख्या से तो कई गुना ज़्यादा होंगे, कई लाख लोगों ने आज सुबह अपने किसी प्रिय को खो दिया है, अपने किसी चाहने वाले को खो दिया है। तो आपके अपने उन 4-5 लोगों को देखिए या उनके बारे में सोचिए जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और सोचिए अच्छा है कि वे सब आज भी आज आपके साथ साथ हैं, आपके साथ जिंदा हैं। तो फिर से दोबारा अपने लिए थोड़ा सा मुस्कराइए। ये सुबह उठते ही आपकी आध्यात्मिक यात्रा की ओर पहला कदम होगा। जी हाँ, जब आप सुबह पॉजिटिव सोच के साथ में मुस्कुराते हैं तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है और आप स्वयं महसूस कर रहे हैं कि आप जीवित हैं। सोचिए, जीवित रहने से ज़्यादा कीमती बात और क्या हो सकती है। तो जीवित रहने के लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए और मुस्कुरा कर उठिए। देखिए, सुबह जागने के लिए लोग अक्सर अलार्म लगाते हैं, और इसलिए आज ही सोचिए और अलार्म मत लगाइए। देखिए, इस बात को विज्ञान भी मानता है कि सुबह आप जिस तरह की आवाज़ सुनते हुए जागते हैं, आपका पूरा दिन और जीवन का भविष्य वो आवाज़ भी तय करती है। जी हाँ, सुबह अचानक अलार्म की एक तेज़ आवाज़ सुनकर जब आप जागते हैं तो आपके जीवन को ठीक से चलाने के लिए ये तरीका सही नहीं है। देखिए, जैसा आप खाना खाते हैं वैसा ही आपके भीतर विचार और भावनाएं आती है। ये एक बहुत ही पुरानी कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो ये बात सुबह आप किस आवाज़ के साथ में जागते हैं बहुत कुछ आपके भविष्य को, आपके जीवन को तय करती है, बहुत कुछ आपके पूरे दिन को तय करती है। आप कुछ तय कर लीजिए कि आपकी नींद कितनी ज़रूरत है, आपको कितना आपको सोना है, और फिर आपको उसी हिसाब से सो जाना चाहिए ताकि आप अपनी नींद को पूरा करके सही समय पर बिना किसी कृत्रिम आवाज़ के स्वाभाविक रूप से अपने आप उठ सकें। जब आपको मालूम है कि आपको कितनी नींद की ज़रूरत है तो फिर आप स्वाभाविक रूप से जाग सकते हैं। और फिर भी यदि आपको लगता है कि सुबह किसी आवाज़ की आवश्यकता है, ज़रूरत है भाई, तो आप सही समय पर जागने के लिए आप किसी खास मंत्र को इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह सही ओर से उठना ये भी बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, सही करवट से उठना या सही तरफ से उठना आपके स्वास्थ्य की दिशा को तय करता है। देखिए, आपका हृदय आपके शरीर को जिंदा रखने के लिए, ऊर्जावान बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा सहयोग करता है, क्योंकि ये आपके खून के लिए एक पंपिंग स्टेशन है जिसके माध्यम से खून शरीर के हर हिस्से तक पहुंचता है, हर ऑर्गन तक पहुंचता है। और यदि आपका हृदय ही ठीक से काम ना करे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। और आपका हृदय बाईं ओर से शुरू होता है। सुबह जागने पर भारतीय परंपराओं के अनुसार दाहिनी करवट लेकर उठना चाहिए। यदि आप बाईं करवट से उठेंगे तो ये आपके लिए खराब चीज़ें करेगा,
क्योंकि जब शरीर आराम की एक खास अवस्था में होता है तो उसकी मेटाबॉलिक गतिविधियाँ काफ़ी कम हो जाती है, काफ़ी कम रहती है, और जब आप सुबह उठते हैं तो ये गतिविधियाँ तेज़ी से बढ़ने लगती है, अचानक तेज होने लगती है, और इसीलिए सुबह आपको दाहिनी ओर से उठना चाहिए ताकि आपके हृदय पर इतना लोड ना आए। आखिरी बात, सुबह जागने पर कुछ देर बिस्तर पर स्थिर बैठ जाइए, स्थिर बैठकर अपनी हथेलियों को रगड़कर आंखों पर रखिए। देखिए, हथेलियों में बहुत सारी नसों का आखिरी छोर होता है, और जब आप अपनी दोनों हथेलियों को रगड़ते हैं तो आपके शरीर की सारी प्रणाली को संकेत मिलते हैं और आपके सारे प्रणाली को वो जाग जाने के लिए प्रेरित करता है। यदि आपको नींद आ रही है, आपको आलस आ रहा है सुबह सुबह, तो जब आप अपनी हथेलियों को रगड़ते हैं, आप ऐसा करते हैं तो तुरंत ही सारा शरीर जागने लगता है, क्योंकि शरीर को जागने का संकेत मिल रहा है। आँखों से जुड़ी हुई सारी नसें आपकी सारी इंद्रियों को जागृत करने लगती है, और आपका शरीर हिले डुले इससे पहले आपका मस्तिष्क और शरीर सक्रिय होने लगता है। तो आज सुबह आप इसे करके देखिए और एक अलग ही अनुभव की आपको अनुभूति होगी। कैसा लगा आपको यह वीडियो? आशा है ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी उपयोगी लगा होगा। दोस्तों, ये वीडियो वास्तविक रूप से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि इस वीडियो का जो उद्देश्य है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका फ़ायदा पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सही तरीके से जाग सके, सही तरीके से उठ सके। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोज़ की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी, तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम। जय हनुमान।